Hi, this is Niraj Garg and you are watching class 10th chapter 5 arithmetic progressions. Find the number of terms in each of the following APs. और हमें एक AP given है 7, 13, 19 up to 205 और हमें number of terms बतानी है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा A हो गया हमारा 7, ठीक है? A मतलब first term और D मतलब common difference. ये क्या आ गया हमारा? Formula होता है हमारा A2 minus A1, ठीक है? तो ये आ गया हमारा 13 minus 7, it means it is 6, right? और ये जो 205 है, ये क्या है? ये हमारा है an, ये हमें an given है 205 और हमें find क्या करना है? An हमें find करना है, ठीक है? ये हमें find करना है. तो an का formula हम लिखेंगे. an का formula क्या होता है? a plus n minus 1d that is equal to an. nth term का formula जो होता है वो ये होता है. a की जगह पे हम डाल देंगे 7 plus n minus 1 और d है हमारा 6 और an हमें गिवन है 205, ठीक है? तो 7 plus 6n minus 6 that is equal to 205, then 6n plus 1 that is equal to 205, 6n is equal to 204, so n की वैल्यू आ गई हमारी 204 divided by 6 और 6 से कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारा 34, तो n is equal to आ गया 34 और यही हमारा आंसर हो गया क्योंकि हमसे पूछी थी number of terms और number of terms आ गई हमारी 34. होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. ऑल द बेस्ट.